दोस्तों फ्रांस में जो कुछ हुआ वो हमने आपको दिखाया, बताया, सुनाया, आपने भी देखा। ये फ्रांस में जो कुछ हुआ न केवल आपने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कट्टरपंथी इस्लामकारियों ने किस तरीके से पूरे फ्रांस को दंगे की आग में झोंक दिया। सैकड़ों लोगों की मौत हुई, हजारों गाड़ियों को फूंक दिया, हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, हजारों बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया। इन जिहादियों कट्टरपंथियों के इस गृह युद्ध में फ्रांस आधा चपेट में था। तब फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप में चर्चा एक थी कि क्या शरणार्थियों को इस तरीके से इतनी आसानी से किसी भी देश में घुसा लेना चाहिए, क्या शरणार्थियों को हमने एंट्री कराकर गलती तो नहीं की। आपको बता दें अब शरणार्थियों का मुद्दा जो है वो बेहद गर्मजोशी से छाया है। यही कारण है कि शरणार्थियों को अब एंट्री कराना अब कई देशों को भारी पड़ गया, तो अब फ्रांस ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। फ्रांस में हुए दंगे के बाद फ्रांस ने लिया तगड़ा एक्शन। फ्रांस ने अब मौलानाओं पर कसा शिकंजा। फ्रांस में अब कट्टरपंथियों की खैर नहीं। फ्रांस के तगड़े एक्शन से एक बार फिर से बिलबिलाए मुसलमान, फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे थे लेकिन पुलिस ने कर दिया एक्शन। दूसरी खबर बताएंगे कि कैसे 300 साल पुरानी मस्जिद को किया गया ध्वस्त। सड़कों पर उतरकर लोगों ने काटा बवाल, सड़कों पर लोगों मुसलमानों ने जताया गुस्सा। दो खबरों में बारे में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फ्रांस में जो हालात थे वो आपने देखा, आपसे बात तो छुपाने की जरूरत नहीं है। फ्रांस में जो कुछ हुआ अब उसके बाद से फ्रांस ने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस ने सबसे पहला और तगड़ा एक्शन ले लिया है कट्टरपंथी मौलानाओं को लेकर। दरअसल खबर ये निकल के आई है कि एक जांच कमेटी बिठाई गई थी। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये जो कुछ दंगे हुए हैं उनमें से दोस्तों आपको बता दें 50% स्थानीय और 50% बाहरी मुसलमान थे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अभी तक ये कहा जा रहा था कि जी फ्रांस में जो कुछ हुआ उसमें केवल और केवल बाहर के मुसलमानों का हाथ था, तो ऐसा नहीं है। वहाँ के जो स्थायी फ्रांसीसी थे मुसलमान, उन्होंने भी भरपूर दंगा किया। यानी अभी तक फ्रांस को इस बात का थोड़ा सा इस बात की चिंता नहीं थी कि भाई जो बाहरी है उनको हम बाहर कर देंगे तो हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। असल में अब जो वहाँ के मुस्लिम थे, अब खबर निकल के आई है कि उनमें से जो दंगाई थे, जो गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 50% केवल बाहरी थे जबकि 50% स्थानीय मुसलमान थे। और स्थानीय मुसलमानों को भड़काने का काम कट्टरपंथियों ने किया था। जिन कट्टरपंथी चरमपंथी मौलानाओं ने भड़काने का काम किया था उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। तो फ्रांस में हुए दंगे के बाद आखिरकार अब फ्रांस इस पूरे मामले में तगड़ा एक्शन ले रहा है, जिनमें 5 मौलानाओं को, ऐसे 5 कट्टरपंथी मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया है जिनके संबंध जो है वो फ्रांस में जिनके संबंध थे ऐसे लोगों से, जो मौलाना जो है वो चरमपंथ और कट्टरपंथ और दीनी ज्ञान दिया करते थे। खबर निकल के आई है कि अब मौलाना, फ्रांस ने भले ही लालच में कट्टरपंथी मुस्लिमों को बुला लिया हो और सस्ते में लेबर को बुला लिया हो, लेकिन आपको बता दें इन कट्टरपंथियों को बुलाना भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि फ्रांस ने अब कट्टरपंथी मौलानाओं पर शिकंजा कसा। जांच में एक खुलासा हुआ कि जी 50% जो है ऐसे लोग थे जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने हमला कर दिया था, 50% ही महज जो है वो बाहरी लोग थे। तो ऐसे में अब फ्रांस की चिंता और बढ़ गई है। इस वजह से अब बाहरी लोगों को जहाँ देश से निकाल देंगे, लेकिन अंदरूनी जो लोग जो देश में इस तरीके के दंगा किए उनका इलाज क्या होगा। उनके इलाज के लिए फ्रांस ने अब बाकायदा कट्टरपंथियों को कुचलने के लिए ऐसे मौलानाओं और ऐसे मस्जिदों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब तक 5 मौलानाओं की गिरफ्तारी हुई है जिनके द्वारा जो है वो दंगों को भड़काया गया था, क्योंकि नींव नहीं खोदी गई तो फिर ये दंगाई करने वाले तो ये बहुत पैदा हो जाएंगे, लेकिन दंगाओं को प्रायोजित करने वालों पर शिकंजा कसना चाहिए। यही कारण है कि फ्रांस ने जो अब तगड़ा एक्शन लेते ही मौलानाओं की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। और फ्रांस में जो है वो आपको बता दें अब इस पूरे मामले में जो है जाँच रिपोर्ट और जारी जाँच रिपोर्ट और तेज़ी के साथ चल रही है कि क्या ये जो इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हुई ये वाकई में एक लड़के की मौत के बाद ये हिंसा हुई या फिर कोई और वजह थी। तो वजह दोस्तों एक और खबर सामने निकल के आई है कि जी असल में जो दंगा हुआ है ये कोई अभी की घटना नहीं है। इस दंगे के पीछे ये भी बताया जाता है फ्रांस का मुस्लिम विरोधी होना। ये भी एक रिपोर्ट निकल के आई है कि भाई फ्रांस जो है वो मुस्लिम विरोधी असल में है। फ्रांस की मुस्लिम विरोधी छवि जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी रवैये जो है वो भी इस पे बहुत बड़ा आग में जिसे कहते हैं घी डालने का काम किया है, क्योंकि फ्रांस में इससे पहले भी इसे कई कानून आ चुके थे जिस वजह से जो है वो फ्रांस के मुसलमानों ने प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। फ्रांस की संसद में ऐसे कई कानून आ चुके हैं,
कट्टरपंथियों पे से गंजा कसने का। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि ये मौलाना उन कानूनों से भी नाराज थे जिनको जो है वो इस बार इस चिंगारी में उन्होंने आग में घी डालने का काम किया था। तो ये जो रिपोर्ट एक एक निकल के आ रही है वो फ्रांस में रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तगड़ी हो रही है। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि मौलाना की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। चलते हैं एक और खबर ले लेते हैं दोस्तों। 300 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर इस देश में। जी हाँ, मच गया बवाल, सड़कों पर उतरे मुसलमान, लगे बिलबिलाने। ये देश कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम देश ही है। जी हाँ, खाड़ी देश इराक में 300 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चल गया है। इस कारण अभी मामला गर्मा गया। प्राचीन मस्जिद की मीरान को गिराने के कारण लोगों में नाराजगी। इस्लाम देश इराक के दक्षिणी शहर बसरा में एक सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए 300 साल पुरानी मस्जिद की 11 मीटर लंबी सिराजी मीनार को गिराया गया। इराक के अधिकारियों ने बसरा शहर के एक अहम तटीय सड़क अबू अल खजीब को चौड़ा करने के लिए बीते शुक्रवार की शाम को ऐतिहासिक अल सिराजी मस्जिद और उसके मीनार को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोग इराक के अधिकारियों के इस काम से बेहद नाराज हैं। इराक के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। इराक की इस प्राचीन अल सिराजी मस्जिद का निर्माण 1727 में बसरा शहर में किया गया था। वो इराक के अहम ऐतिहासिक स्थलों में गिनी जाती है। अपनी स्थापत्य कला के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। प्रसिद्ध की अनोखी मीनार मिट्टी की ईंटों से निर्मित की गई है। खास बात यह है कि ये सदियों बाद भी पूरी तरीके से सुरक्षित थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद और मीनार को गिराने पर इराक के सांस्कृतिक मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि हम सभी तरीके की विकास के हिमायती हैं और हम इराक की सरकार और विकास की इच्छा का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए किसी धार्मिक या रिहायशी इमारत को नुकसान पहुँचे इसके हम खिलाफ हैं। वे इमारतों को ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखती हैं। तो सीधे तौर पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ें देखने को मिली। अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इन मस्जिदों पर बुलडोजर चला है, मौलानाओं भड़क गए हैं, मौलानाओं ने कहा है कि भाई आप अगर बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो आप विकास अगर आप करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है विकास करिए, लेकिन आप किसी के धर्म स्थलों पर बुलडोजर चलाकर, आप किसी रिहायशी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाकर विकास मत करिए और इस विकास का हम पुरजोर विरोध करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर सीधे तौर पर एक गुस्सा जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके की सिचुएशन आन पड़ी है, ये आप इसे कैसे देखते हैं फ्रांस के बाद इराक में? अगर आप भी मानते हैं कि विकास के पथ में अगर कोई भी मस्जिद है तोड़ना चाहिए तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।